सृजन घोटाले का दंश झेल रहे भागलपुर में एक और नया घोटाला सामने आया है। भागलपुर नगर निगम के भ्रष्टाचार ने जिलेवासियों को अंदर से झकझोर दिया है। नगर निगम प्रशासन ने बड़े ही चतुराई से मेयर सीमा शाह और उसके पति जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के साथ मिलकर नगर निगम को जमकर चूना लगाया है। पूरे हेराफेरी का भंडाफोड़ खुद जिप अध्यक्ष के पेट्रोल पंप पर काम कर रहे पूर्व कर्मचारी अनिल कुमार ने किया है। इस संबंध में शाहकुंड थाना क्षेत्र के सुख सरोवर निवासी अधिकलाल ताती के पुत्र अनिल कुमार ने बताया कि वह जिप अध्यक्ष के पेट्रोल पंप पर वर्ष 2013 से ही लेखा जोखा मैनेजर के पद पर काम कर रहा था, लेकिन उनकी मजदूरी का भुगतान नगर निगम से किया जा रहा था। अनिल कुमार की माने तो उन्हें पहले मजदूरी पेट्रोल पंप द्वारा नगद रूप में दी जाती थी, लेकिन 10 दिसंबर 2019 से उन्हें निरंतर नगर निगम द्वारा बैंक खाते पर भुगतान किया जाने लगा। यही नहीं, हर महीने नगर निगम द्वारा मजदूरी की राशि से कहीं ज्यादा की राशि उसके बैंक खाता 118295244 पर ट्रांसफर की जा रही थी और मजदूरी से ज्यादा की राशि उन्हें बैंक खाते से निकालकर नगद जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह को देना होता था। इन सब के बीच हद तो तब हो गई जब अनिल कुमार के काम छोड़ने के बाद भी उनके खाते में नगर निगम से लगातार भुगतान होता रहा। अनिल कुमार ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में यानी कि अप्रैल 2021 में वो संक्रमण की चपेट में आ गया था, जिसके बाद वो कुछ महीने घर में ही रहा, लेकिन जब वह स्वस्थ होने के बाद वापस पेट्रोल पंप पर नौकरी करने पहुंचा तो उन्हें टुनटुन शाह के किसी अन्य कर्मचारी को उसके स्थान पर रखने की बात कहकर उसे हटा दिया। बावजूद इसके ताज्जुब वाली बात यह है कि नगर निगम द्वारा उनके खाते पर पूर्व की भांति यानी 10 दिसंबर 2019 से 19 अगस्त 2021 तक नियमित रूप से राशि का ट्रांसफर धड़ल्ले से होता रहा। उनसे कहा कि भैया जो नगर निगम के द्वारा जो पैसा आता था जो मैं निकाल कर देता था वह एक साक्ष हमको दे दीजिए ताकि कल भविष्य में आपके या किसी भी सरकार के तरफ से कोई यह नहीं आए कि आपने पैसा लिया है। इसी बात को लेकर वो हमारे साथ मारपीट 2 दिन बुलाकर इसी बात पर मारपीट करने लगे। इसी वर्ष पिछले 19 अगस्त को उनके खाते पर एक बार फिर नगर निगम से 18,603 रुपये की राशि को ट्रांसफर कर दिया गया। इसी दरमियान सरकारी राशि फिर से उसके बैंक खाते पर आने से अनिल कुमार अचंभित हो गए और उन्होंने नगर निगम के इस भ्रष्टाचार की जानकारी सूबे के मुखिया नीतीश कुमार, प्रधान सचिव भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त समेत संबंधित विभाग के कई अधिकारियों को पत्र के माध्यम से दिया। अपने पत्र में अनिल कुमार ने सरकारी राशि की दुरुपयोग संबंधित शिकायत को विस्तार से लिखा है। उसके साथ इन्होंने इसका पुख्ता साक्ष्य भी आवेदन के साथ मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव और अन्य अधिकारियों को भेजा है। अनिल कुमार ने बताया जब पूरे मामले का उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया तो इस पूरे खेल पर पर्दा डालने के लिए 20 अगस्त को नगर निगम के कथित कर्मी शहजादा ने उसे मोबाइल संख्या 9709737538 से फोन कॉल कर उन्हें कहा कि भूलवश राशि निगम द्वारा उनके खाते में चली गई है, इसलिए वह उस राशि को वापस कर दे। इसके बाद अनिल ने उस कथित निगम कर्मी को इसकी जानकारी लिखित में देने की बात कही जिससे कि बाद में उसे कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पश्चात अनिल ने भी यह राशि किसी को वापस नहीं की। इसके उपरांत उक्त कथित निगम कर्मी ने मेयर के पति अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह से भी फोन पर बात करवाया। इस दौरान टुनटुन शाह ने अनिल से कहा अब तो वो उनके पेट्रोल पंप पर काम नहीं करते हैं, इसलिए जो भी राशि उनके खाते पर नगर निगम द्वारा भेजी गई है वह उस राशि को निकाल कर नगद रूप से टुनटुन शाह को वापस कर दे। इससे अनिल काफी भयभीत हो गया क्योंकि यह मामला प्रारंभिक तौर पर सरकारी राशि के गबन से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। अनिल कुमार की माने तो इससे पहले भी टुनटुन शाह ने पैसे की मांग को लेकर उसे रूम में बंद कर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज किया था। प्रारंभिक जांच में अनिल कुमार के साथ साथ अब तक मेयर और मेयर पति के कई निजी सहायकों के खाते में नगर निगम प्रशासन की मिली भगत से लाखों रुपया अवैध रूप से भुगतान किए जाने का मामला सामने आ चुका है, लेकिन कोई भी अधिकारी मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण कुछ भी कहने से बचते दिख रहे हैं। मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नगर निगम प्रशासन की मिली भगत से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है वह एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता दिख रहा है।
भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा महापौर सीमा शाह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी, प्राइवेट गार्ड, उसकी बेटी, उसके भाई और कई निजी कर्मचारियों को नगर निगम प्रशासन के द्वारा उनके खातों में भुगतान किए जाने का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। भागलपुर में सृजन घोटाला 2 की आहत हो चुकी है। दरअसल नगर निगम के खाते से जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के पेट्रोल पंप कर्मी को भुगतान किया गया है, साथ ही साथ उनके जो निजी कर्मचारी हैं, गार्ड हैं, गार्ड का भाई, गार्ड की बेटी तक को यहां के पैसे से भुगतान किया गया है। नगर निगम के एक दर्जन से अधिक पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव से निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर नगर आयुक्त का घेराव किया। इस दौरान नगर पार्षदों ने जमकर हंगामा भी किया। पार्षदों का आरोप था कि बिना नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से महापौर और उनके पति के निजी सहायकों को नगर निगम के द्वारा उनके खातों पर भुगतान नहीं किया जा सकता। पार्षदों ने नगर आयुक्त से स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर दोषी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। यह सुनने के बाद हम लोग आंदोलित हो गए कि नगर निगम का अकाउंट से शाहकुंड के एक पंप के स्टाफ के पास जाए, इसका मतलब है यह बहुत बड़ा घोटाला है और यह सृजन 2 का संकेत दे रहा है। देखिए, नगर निगम की यह सफाई कर्मी से संबंधित मामला है और नगर निगम में सफाई कर्मी की प्रतिनिधि होती है और नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी 51 वार्ड है, उससे संबंधित कर्मी होंगे। तो अभी जो संज्ञान में आया है, 2-3 दिन से बातें मीडिया में थी और जो भी थी चल रही थी, तो हम लोग ने भी कहा भी है, जो पहली बार बात आई है संज्ञान में, तो इसको हम लोग संचिका का अध्ययन कर लेते हैं, सारी बात की जानकारी गहरी रूप से ले लेते हैं, फिर इस पर जो नियम संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। कार्रवाई होगी या नहीं सर, क्योंकि पहले भी मैंने कहा जी नियम संगत कार्रवाई होगी, मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन अब कार्यालय की संचिका होती है, कार्यालय की संचिका के अध्ययन करने के बाद उसमें कहाँ खामियां रह गई, क्या रह गई, उसके उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त को 2 दिनों के अंदर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और स्वास्थ्य प्रभारी रेहान को हटाने का अल्टीमेटम भी दिया है। पार्षदों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे सभी पार्षद नगर आयुक्त के कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। 2-3 दिन का समय हालांकि लिया है, इससे पहले भी ट्रेड लाइसेंस मामले का घोटाला हुआ, उसमें भी 2-3 दिन का कार्रवाई का बात कहा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें भी। अब सृजन 2 की हाथ हुई है, लाखों रुपये जिला परिषद अध्यक्ष के पेट्रोल पंप कर्मी, साथ ही साथ उनके जो और अन्य कर्मचारी हैं, उनको यहां से नगर निगम से भुगतान किया गया है, लाखों रुपये हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पैसे वहां जा रहे थे, मामला उजागर हुआ और सामने आया कि लाखों का ये लूट है। और भी अन्य मामले हो सकते हैं, जांच की तह तक जाए अधिकारी तो कई मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि आज कई पार्षद नगर आयुक्त से मिले हैं और जांच करवाने की मांग किए हैं, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य प्रभारी हैं रेहान, उस पर भी कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। और अब देखना यह शेष है कि जो कर्मचारी हैं नगर निगम के और जिनके मिलीभगत से पैसे की लूट हो रही थी, जिनके मिलीभगत से कर्मचारियों को पैसे जा रहा था, जो प्राइवेट लोगों को पैसे जा रहा था, नगर निगम का पैसा, उस पर कब कार्रवाई होती है। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज चौरसिया टोला में निजी बैंक में बरसों से एक एक पैसा पेट काट कर जमा कर रहे गरीब मजदूर लोगों की मैच्योरिटी पूरा होने के बाद पैसा वापस मांगने पर दबंग संचालकों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल नवयुवक सहयोग समिति कुतुबगंज भागलपुर के द्वारा स्वयं सेवा समूह के अंतर्गत निजी बैंक खोलकर गरीबों को जल्द पैसा दोगुना होने का सब्जवाब दिखाकर पैसा जमा करवाया जा रहा था, जिसमें आसपास के सैकड़ों गरीबों के द्वारा एक एक पाई पेट काटकर जमा किया जा रहा था। और जब मैच्योरिटी का समय पूरा हुआ और यह सभी संचालक हेमा देवी के पास अपनी जमा पूंजी वापस मांगने गए, तो उसके दबंग पति हरदेव मोदी और पुत्र सूरज मोदी के द्वारा लाभुकों को बेरहमी से पिटाई कर दी गई। अपने घर परिवार के लिए सपने संजोए हुए गरीब अब सरकार और स्थानीय प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कि कॉपरेटिव खोले हुए हैं, तो हम बोले क्या चीज का कॉपरेटिव है, तो हम लाइसेंस लिए हुए हैं, जो आप कॉपरेटिव खोले आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जो है ना इंटरेस्ट कुछ देंगे, ब्याज हम रनिंग में लगाते हैं, कितना रनिंग में
कोई चीज का पैसा नहीं लिया था। लिए 30,000 रुपया हमरो ऐसे ले लेलका छे और हमरो बेटी ने जमा कर लगेले 30,500 रुपया महीना। एक हमरो छोटकी बेटी की बोल गई कि हमें कोई काम करवो बेटी पैसा दे मैं। बेटी कल के ठीक से दे देखियो हे माँ दीदी दिलके हमरो बेटियों को पैसा नहीं लौटल के और हम एगो दुगो कपड़ा धो करके 35,000 रुपया दिले छे। हमरा बोले छे तो हमरा गाड़ी बक्कई छे मारे दौड़े छे बेटी के 500 रुपया हमरो मंजरी बेटी छे। पैसा देने के कोई अथी नहीं जाते हैं तो मारपीट करता है। हेमा देवी हरदेव देवी हरदेव मोदी उसका बेटा हम रनिंग में लगाते हैं पैसा आपको देंगे जिधर जिधर अपना लगाती है सूद में और वही सूद उद मिला के हम लोग के 5 साल के बाद देती है मतलब नहीं दे रहा है जब पूर गया समय तक 1,30,000 है। हमारा 3 आदमी के है 3 आदमी है हम लोग कर ले जाके जो नहीं ले लो पैसा पैसा मैं कपड़ी खोल ले रख ले बेटा दू गो पैसा रखबे बेटा बेटी ब्याह करबे कुछ कामिया करबे नहीं से घर द्वार घरे द्वार बनेबे बेटी बेटी से ब्याह करे बेटी ब्याह करबे अरे की करबे ले यह सब कर रखे दूसरा रखे सा बेटा चलाए के हेमा हेमा हरदेव मोदी गुडला का नाम हरदेव मोदी। हाँ लव लोग भी दुकान सदा ले रही थी हम बोले दीदी बोले एतबार का पैसा एतबार का पैसा नहीं दिलो पैसा कुछ नहीं ले ऐसे हाथ चमका करके बोलने लगी पैसा नहीं ले चुन दे दिल चुन एडवांस 20 लाख दे दिए हैं हम नहीं ले चुन नहीं ले चुन कल्के ना नहीं लिए हैं नहीं की करबो मरबो हल्ला मार ही ला ऐसे दे देना मारे नहीं नहीं मार कुछ नहीं किए बस हमको फ्राक फेंट मार दिया। कितना पैसा बाकी तो हमारा पैसा 10,000 था बाकी कपड़े टीम जमा कर रहे थे 1,600 का महीना जमा कर रहे थे अब वही मतलब बेटी शादी में रखेंगे इसीलिए कर रहे थे जमा। भागलपुर नगर निगम प्रशासन और महापौर सीमा शाह और उसके पति जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के मिलीभगत से नगर निगम की राशि महापौर और उसके पति के निजी कर्मचारियों को बरसों से उनके खातों में दिए जाने को लेकर भागलपुर की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सरासर नगर निगम प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से लूट का मामला प्रतीत हो रहा है और उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि लगभग पिछले 1 वर्ष से भागलपुर में प्रभारी नगर आयुक्त के रूप में प्रफुल्ल चंद्र यादव कार्यरत हैं जिनके कार्यकाल में लगातार नगर निगम में भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत मिल रही है। तुरंत राज्य सरकार और नगर विकास विभाग अस्थायी नगर आयुक्त की नियुक्ति करते हुए दोषी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। अरे क्या लूट मचाए हुए भाई। एक तो स्मार्ट सिटी जब चयनित हुआ 2015 में कोई काम धरातल पे नहीं हुआ। गंदगी का अंबार पड़ा है। डंपिंग ग्राउंड बना ही नहीं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जब आए थे जो नगर विकास मंत्री भी है मैंने सारी बात उनको बताया यहाँ बैठक में लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं। पूरा लूट मचा है और आप 11 नाम बता रहे हैं। मुझे तो 70 व्यक्ति का ऐसा सूचना है मैं पता लगा रहा हूँ 70 व्यक्ति ऐसा है जिसको कि पेमेंट गलत तरीके से किया जा रहा है। ये नगर निगम में पूरा सिस्टम कोलैप्स है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा है। आज पत्र में यह है कि आप जो है वित्तीय अनियमितता हो रहा है आप जांच कमेटी बैठाइए पूरा लूट मचा है जांच कराइए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। यदि कोई भ्रष्टाचार किसी ने किया है किसी की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हुआ है तो वो व्यक्ति दोषी है चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। मैं कहीं भी उस व्यक्ति के फेवर में या बचाव में नहीं रहा हूँ कल भी और ना आज हूँ ना कल रहूँगा। इसीलिए सबसे पहले मैं आज प्रधान सचिव महोदय से बात मैं पत्राचार आज उनको करूँगा कि प्रधान सचिव महोदय हर बार जब जब कोई भी तरह का घोटाला या भ्रष्टाचार मेरे संज्ञान में आता है मैं सबसे पहले प्रधान सचिव महोदय को इस बात की सूचना देता हूँ कि इस पर जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत ही कौन कौन दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह विषय भी सामने आया है कि प्राइवेट लोगों के अकाउंट में पैसा जाता था आखिर कितने ऐसे लोग हैं। सबसे पहले जाँच का विषय ये है कि अभी कुछ नाम सामने आ रहे हैं आखिर पूरे नगर निगम में कितने ऐसे लोग हैं
और कौन कौन ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने मनमाने तरीके से लोगों को जो है प्राइवेट लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। आखिर वैसे लोगों की पहले सूची निकलनी चाहिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके के कार्य में संलिप्त हैं, कौन कौन पदाधिकारी और किन किन जनप्रतिनिधि के संरक्षण में तमाम चीज़ें हो रही थी, उन तमाम लोगों को स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। महापौर साहिबा को इस बात पर अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए, उनको समक्ष लोगों के बीच आना चाहिए, मीडिया के बीच आके उनको बताना चाहिए, क्योंकि ये लांछन महापौर साहिबा के ऊपर लग रहा है। दो तीन चार दिनों से मैं शहर से बाहर था और अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मुझे देखने के लिए मिल रहा था किस तरीके से महापौर साहिबा और उनके पति के ऊपर ये आरोप लग रहा है। अंग प्रदेश की धरोहर मंजूषा कला को जन जन तक पहुंचाने के लिए एवं विभाग के द्वारा मंजूषा कला पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के लिए विनोद राजपूत की पूरी टीम, डायरेक्टर दिव्या भारद्वाज, राजीव खंडेलवाल, मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र बरारी पहुंचकर मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित से मंजूषा कला की विस्तृत जानकारी ली। डॉक्यूमेंट्री टीम ने मंजूषा पेंटिंग की बारीकी को अपने कैमरे में कैद किया। यह डॉक्यूमेंट्री डीडी नेशनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को टीवी स्टार राजीव खंडेलवाल प्रस्तुत करते हैं। शूटिंग के दौरान वरिष्ठ मंजूषा कलाकार बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित निर्मला देवी के अलावा अमन सागर, पवन कुमार, सुजीत आंचल के अलावे प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्या श्रीमती सुमना मौजूद रही। साथ ही प्रतिभागियों में प्रीति कुमारी, वर्षा कुमारी, छोटी कुमारी, मधु कुमारी, सविता पाठक, पूनम कुमारी, अर्चना कुमारी, स्वीटी, माला घोष, मोनी कुमारी, जूली कुमारी मौजूद रही। पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को बीहपुर के ट्रायसम भवन में बीडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सतीश कुमार ने सेक्टर पदाधिकारी व आचार संहिता कोषांग के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक किया। इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों की जानकारी बीडीओ ने प्रतिनियुक्त हुए सेक्टर पदाधिकारी व आचार संहिता कोषांग के नोडल पदाधिकारी को दिया। बीडीओ ने सभी सेक्टर पदाधिकारियों को प्रखंड के सभी 172 बूथों का भौतिक सत्यापन कर दो दिनों में रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया और कहा कि राजनीतिक दल के नारे, झंडे व बैनर का उपयोग प्रचार के दौरान नहीं होगा। बैठक में BRC के BRP सह मीडिया कोषांग के चंद्रभूषण, सेक्टर पदाधिकारी सह शिक्षक अनिल कुमार दीपक व मोहम्मद मुश्ताक समेत प्रखंड आचार संहिता कोषांग के नोडल पदाधिकारी मौजूद थे। ये हम लोग सेक्टर के साथ बैठक कर रहे हैं। अभी जो दो महत्वपूर्ण बिंदु है, बूथ का वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन बूथ का, और आचार संहिता को लेकर के मुख्य रूप से हम लोग एकत्रित हुए हैं। अभी आज से हम लोग बूथ वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। दो तीन दिन के अंदर हम लोग सब बूथ को वेरीफाई कर लेंगे और वहाँ अगर किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधा का अभाव मिला तो उसे समय रहते दूर कर लिया जाएगा। इस बिंदु पर दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इसके अलावा आचार संहिता संबंधी दिशा निर्देश विस्तृत रूप से दिया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जा सके। बिहार के विशेष विभाग के सचिव व भागलपुर के पूर्व DIG विकास वैभव द्वारा छेड़ी गई मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार भागलपुर चैप्टर की एक बैठक भागलपुर के एक स्थानीय होटल में आयोजित की गई। मोटिवेटर आलोक कुमार रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम को आगे बढ़ाने के साथ ही युवाओं को सही राह दिखाने की संकल्प ली गई। आलोक रंजन ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कैसे हम लोगों को प्रेरित करें जिससे वो दूसरों को प्रेरित करें। बिहार एक आकर्षण का केंद्र था और अब पलायन का पर्याय बन गया है। संभावनाओं को विकसित करने, युवाओं को एकजुट कैसे करें, इस पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में शिक्षक रविकांत घोष, अंशु सिंह, विक्रम कुमार, अश्वनी जोशी, पूर्णेंदु चौधरी, अंकित कुमार, सानू सिंह, सौरभ झा समेत लेट्स इंस्पायर बिहार के कई सदस्य मौजूद थे। नाथनगर थाना क्षेत्र के रत्तीपुर बैरिया महादली टोला में दहशत फैलाने की मंशा से फायरिंग कर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक बैरिया गांव निवासी सौरभ कुमार अपने दो अन्य साथियों के साथ महादली टोला पहुंचकर अचानक फायरिंग शुरू कर दिया। वहीं फायरिंग की आवाज़ सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने उक्त युवक को पकड़ लिया, लेकिन उसके अन्य दो साथी भागने में सफल रहे। सूचना पर पहुंची नाथनगर पुलिस को घटनास्थल में एक खोखा भी मिला है। वहीं पुलिस उक्त युवक को अपने कब्जे में लेकर थाना आ गई। मामले पर नाथनगर थानाध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने कहा कि युवक को थाना लाया गया है, पूछताछ की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी।